नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एजुसेशन के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी M31 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो आपको 6 GB और 64 GB मेमोरी के साथ मिल जाता है 15,000 में, जिसमें है 4 कैमरे, जो 64 MP का एक मेन शूटर होता है इसमें, और आपको यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। दोस्तों, इसमें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट लेने के इसमें 3 तरीके आपको पता होने चाहिए, आप किन 3 तरीकों से आपके इस फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम एक एक करके सभी 3 जो तरीके हैं उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कॉमन मेथड होती है सभी फ़ोन में होती है, इस फ़ोन में भी है, वो है बटन का इस्तेमाल करके। तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को साथ में प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हो जो स्क्रीनशॉट है वो ली जाती है। जैसे अगर मुझे प्ले स्टोर की स्क्रीनशॉट लेनी है तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को साथ में प्रेस एंड होल्ड करके छोड़ देना है। तो इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा तरीका है जो आपको मिल जाता है सेटिंग्स में, तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आप किस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको जो अपना पाम है उसे ऐसे स्वाइप करना है, तो आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ली गई है। वापस मैं दिखाता हूँ आपको अपना पाम है, जो एज है स्क्रीन की, एज से आपको स्वाइप अप करना है यहाँ तक। आप देख सकते हो जो स्क्रीनशॉट है ले गई है। वापस मैं दिखा देता हूँ, तो इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने पाम को स्वाइप करके। आपको इसे इनेबल कैसे करना है, हालांकि आप कर रहे हो लेकिन ये हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने उस सेटिंग्स को इनेबल नहीं किया है। तो आपको जाना है सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद आपको जाना है एडवांस फीचर में, और एडवांस फीचर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोशन एंड जेस्चर का। आपको फिर मोशन एंड जेस्चर में जाके पाम स्वाइप टू कैप्चर इसे इनेबल कर देना है। अगर ये डिसेबल हुआ तो आपको इसे इनेबल करना है। दोस्तों, जो तीसरा तरीका है वो भी काफ़ी ईजी है, वो आपको मिल जाता है असिस्टेंट मेनू से। जैसे मैं, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे असिस्टेंट मेनू को इनेबल करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट का। तो आप इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल कैसे करना है, इस असिस्टेंट मेनू को इनेबल कैसे करना है, तो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके आपको जाना है यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में, इसके बाद आपको जाना है इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा असिस्टेंट मेनू सबसे पहला वाला, और यहाँ पे आपको इसे इनेबल कर देना है। तो इनेबल करते ही और आप जो ऑप्शन है उनको यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हो। मान लो अगर स्क्रीनशॉट थोड़ी दूर होता है तो आप इसे स्वाइप ड्रैग करके इधर उधर स्वाइप अप कर सकते हो, तो आप किसी भी नंबर पर इसे रख सकते हो। तो इस तरह से आप असिस्टेंट मेनू को ऑन करके यहाँ से स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 में 3 तरीके स्क्रीनशॉट लेने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।